YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आप लोगों ने नान तो बहुत खाई होगी बट होटलों में और रेस्टोरेंट में खाई होगी, तो आज मैं आपको तवा नान घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो तवा नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है, एक बाउल दही, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे तवा नान। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो दूध लिया हुआ था उसमें दही ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब जो है हम मैदा ले लेंगे। मैदा में मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा चीनी ऐड कर दूंगी इसी में। इसके बाद जो है मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसको। तो मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने दूध और दही को एक साथ मिक्स किया हुआ था वो मैदा में पूरा ही ऐड कर लेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम डो रेडी कर लिया है उसको। डो रेडी होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी आटे में और इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी मैं 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो जाने के बाद से ये देखिए डो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है। तो थोड़ा सा हल्का सा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम एक डो कट कर लेते हैं। तो डो को मैं अच्छे से शेप दे दूंगी। तो मुझे इसको नीचे की तरफ से मोड़ना पड़ेगा ताकि जो एयर है वो अच्छे से बन पाए। तो ऐसे ही करके हम मोड़ लेंगे। ये डो एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेल लिया हुआ है एकदम अच्छे से बड़ा करके। अब जो है हम इस पे कलौंजी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कलौंजी को ऊपर से ऐड किया हुआ है और अब हम इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि जो कलौंजी है वो आटे पे अच्छे से चिपक जाए। और अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। दूसरी तरफ पलट के अब हम इसमें पानी लगा लेंगे और तवे को मैंने यहाँ पे पहले से गर्म करके रखा हुआ था। तो अब हम इस पे अपने नान को सेक लेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो नान में एकदम बबल्स अच्छे से आने लगेंगे। तो अब जो है ये बबल्स हमारे एकदम अच्छे से आ गए हैं। अब हम तवा पलट के सेक लेते हैं। हम चारों तरफ से एकदम हल्का हल्का सेक लेंगे। तो नान अब हमारी सिक गई। अब देख सकते हैं दोनों ही तरफ एकदम अच्छे से सिक गई है। तो अब हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नान कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। तो नान बनके अब हमारी एकदम रेडी है। होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।